Hello friends, welcome to my channel Latest Learn Pharmacy. In this video, we discuss about the multiple choice question of the pharmacokinetics, which is the most important topic for the examination as for the multiple choice question, because pharmacokinetics deals with the absorption, distribution, metabolism, elimination with transportation, which is the most important for the any drugs, any kind of the drugs such as spirin, a yeah, hydrophilic drug or lipophilic drug, hence start. The first question is In the following options, which is not a process of drug biotransportation? का मतलब क्या है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बायो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में की तरफ जाना तो उस प्रोसेस में नहीं होता है किस प्रोसेस में डिफ्यूजन तो होता है डिफ्यूजन में क्या होता है कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की हो जाता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की हो जाता है फिल्ट्रेशन भी होता है इंडोसाइटोसिस भी होता है मतलब जिसमें सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग होता है एंड हाइड्रोलिस जो प्रोसेस होती है वो हमारी मेटाबोलिजम में होती है है, ना कि बायो ट्रांसपोर्टेशन में होती है तो इसमें जो ऑप्शन होगा हाइड्रोलिस आपको सही होगा क्योंकि उसमें नॉट पोल कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि बायो ट्रांसपोर्टेशन में भाग नहीं लेता है उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच हाइड्रोफिलिक्रग अंडरगो डिफ्यूजन ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हाइड्रोफिलिक ड्रग मतलब जो वाटर सोल्यूफर ड्रग होती है वो हमारी डिफ्यूजन के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि कुछ प्रोसेस होते है जैसे एक्टिव डिफ्यूजन होता है पैसिव डिफ्यूजन होता है पिंकोसाइडोस ये सब स्पेशली फॉर दी जैसे जो लिपोफिलिक ड्रग होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट तो इजीली कर देते हैं लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो जब उनका जब डिफ्यूजन होता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन के पास एक हमारा द्वार पाया जाता है है जिसको बोलते एक्वस पैरासेलुलर स्पेस ठीक है? उसके द्वारा से जो हमारी ड्रग होती है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाती है और बाकी रहेगी एक्टिव डिफ्यूजन की बात में क्या होता है लोअर कंसेंट्रेशन से हाइयर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है और इसमें भी केज होता है कि मतलब वो ड्रग होनी चाहिए लिपोफिलिक होनी चाहिए तो इसमें जो आपका ऑप्शन होता है वो फिल्ट्रेशन आपका सही है। उसके बाद आता है या उस उस का का नाम नाम बताइए। बताइए आपसे एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप उस space का नाम जिसमें जो hydrophilic drug होती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है तो पहला ऑप्शन आपका सेलूलर स्पेस एक्वस मेम्ब्रेन डिफ्यूजन या हाइड्रोफिलिक बेज स्पेस या एंडोसाइटोसिस स्पेस तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा aqueous स्पेस मतलब एपीएस तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एपीएस इन द टर्म ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग बायोट्रांसपोर्टेशन दैट्स एक्वस पैरासेलुलर स्पेस पे आप वहां पे टिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन ऑफ एन आयोनिक ड्रग डिपेंड देयर मतलब जो डिफ्यूज अन आयोनाइड ड्रग होते हैं ठीक है थीके, उनका जो डिफ्यूजन होता है वो किस पर निर्धारित करता है तो ये पार्टीशन कोफिशियंट पे। क्यों क्योंकि जो कितने मात्रा में वाटर में डिजॉल्व होगा और कितने मात्रा में वो हमारे प्लाज्मा में मतलब क्या कर जाएगा बाइंड अप कर जाएगा इसका रेशियो होता है पार्टीशन कोफिशियंट इसीलिए जो अनऑयोनाइड ड्रग का डिफ्यूजन होता है वो हमारे पार्टीशन कोफिशियंट पे निर्भर करता है ना कॉम्प्लेक्सेशन पे ना प्रोटीन बाइंडिंग पे ना सोलिबिलिटी पे क्यों कॉम्प्लेक्सेशन में होता जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है वो भी हमारे ईजिली मतलब जो आयोनाइ ड्रग होती है जैसे आयन्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है कि आयन्स हमारे लिगेंड से जाके या मेटल से जाके अपना एक फॉर्मेशन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं ठीक है उसी पर सोलिबिलिटी तो आपको अलग का होगा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली प्रोटीन से बाइंड करती है इसलिए जो अन आयोनाइड ड्रग होगी वो उसका जो डिफ्यूजन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा पार्टीशन कोफिशियन पे डिपेंड करेगा ठीक है 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 उसके बाद जो 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 द मतलब कौन सी ऐसी है या उस का क्या नेचर होना चाहिए कि जल्दी हो जाए और जो है उसको भी क्रॉस कर जाए तो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाती है क्यों क्योंकि वहां सेल पाए जाते हैं में पाए जाते हैं ठीक है फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं जिस तो फास्फोरिक एसिड क्या होते हैं लिपोफिलिक नेचर होते हैं जिसके वजह से वहाँ पे वाटर क्या होते हैं अलग हो जाते हैं जैसे मतलब एक हिसाब से आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे पानी और तेल हो जाता है तो जो हमारी मेम्ब्रेन रहेगी वो तेल की बनी हुई है तो जब वहाँ पे कोई पानी जैसा सब्सटेंस जाना चाहेगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ऑप्शन आपका एकदम गलत जाता है दूसरा ऑप्शन आपका क्या है लिपोफिलिक लिपोफिलिक का मतलब क्या है कि जो हमारे वाटर मतलब वाटर इन्सोल्यूबल होते हैं और जो फैट्स ऑयल्स होते हैं उसके सोल्यूबल होते हैं तो वहां पर हमारे लिप्ड पाया जाता है लिपिड पाया जाता है इसलिए वो लिपिड से जाके बाइंड अप कर जाएंगी और ब्लड ब्रेन बेरियर को क्रॉस करके अंदर फिर से चली जाएंगी लायोफिलिक लायोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स जो चाहे ऑयली फील्ड हो चाहे एक्वस हो दोनों में सोल्यूबल हो तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ड्रग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आती है दी एसिडिक एस्पायरिन एबजॉर्ब मेनली मतलब जो एसिडिक ड्रग होती है वो कहाँ पे हमारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो इसका जो इंटेस्ट में नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट में आपकी बेसिक ड्रग होती है ठीक है और उसके बाद लीवर में तो आपका मेटाबलाइजेशन होता है पेंक्रिया से कुछ आपके अमलीय रस निकलते हैं तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा स्टोमच मतलब जितने भी हमारी एसिडिक ड्रग है वो आपके स्टोमच में एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दी बेसिक ड्रग मेनली मेनलीब्जॉर्व ठीक है जो बेसिक ड्रग होती है वो कहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ली जाती है वो हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व कर ली जाती है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है दी प्रोसेस मतलब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन दी प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा द प्रोसेस इन विच ड्रग अंडर गोड्स ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मतलब यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से देख देखने कि लोअर टू हायर जा रहा है ना कि हायर टू लोअर अगर हायर टू लोअर जाता तो आपका आपका है जाता है, passive diffusion हो जाता है तो बात हो रही है लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन तो जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा वो आपका क्या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन ग्रेट

उूज बाय द मेम्ब्रेन मतलब क्या कहते हैं

उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्रोसेस इन विच ड्रग एंट्री इनटू द सिस्टम सर्कुलेशन मतलब आपने जो ड्रग ली ड्रग का डिसइंटीग्रेशन हुआ डिसोल्यूशन हुआ फिर आपके इंटेस्टाइन में या स्टोमच के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई आ, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में किस प्रोसेस से जाती है ट्रांसपोर्टेशन से या एब्जॉर्प्शन से या डिस्ट्रीब्यूशन से या मेटाबॉलिज्म में तो इसका जो आपका ऑप्शन सेकेंड है एब्जॉर्बन उसके द्वारा ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है क्योंकि जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा एबजॉर्ब कर ली जाती है देन इसको कैदी किया जाता है ठीक है प्रोसेस डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन आई वी इंजेक्शन मतलब जब आप कोई आई वी इंजेक्शन देते हैं तो उसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सी मतलब ऐसी प्रोसेस है, जो भाग नहीं लेती है डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोल तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका एबजॉर्प्शन क्योंकि जो होती है वो इसीलिए इसको कहते हैं मतलब बाईपास इफेक्ट मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट ठीक है इस इसमें मतलब होता क्या है कि जैसे आप कोई इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन आपका एबजॉर्ब नहीं होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन से डायरेक्ट

पहुंच कर अपना जो एक्शन होती है वो शो करती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एब्जॉपिया डिस्ट्रीब्यूशन तो बायो एवेलिबिलिटी क्या होता है बायो एवेलिटी का यही मतलब होता है कि आपने किस रूट ऑफ किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया और वो उसने अपना कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बायो एवेलिटी होगा वो आपका सही होगा उसके बाद क्वेश्चन आता है दी फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन सेकेंड पास बेटा तो उससे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सेकंड पास मेटाबॉलिज्म के बारे में हम समझ लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता क्या है कि ड्रग आप ओरली लेते हैं उसमें एबजॉपन की प्रोसेस होती है जैसे डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिजोल्यूशन ई वगैरह होता है लेकिन वही सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये जीआईटी हमारा भाग नहीं लेता है तो वहाँ पर एबजॉपन आपका क्या होगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसमें ऑप्शन आप आपका फर्स्ट वन ऑफ आपका यहाँ पे सही होगा ठीक है जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बायोलिटी ऑफ द ड्रग टेकन फ्रॉम दी ओरल रूट टू दी आई वी रूट मतलब कहने का क्या है कि जो रेशियो होता है मतलब तो किसका ज्यादा होता है इसको क्या बोलते हैं तो इसको आप बोलते हैं रिलेटिव बायोलिटी याब्सोट बायोलिटी हाफ लाइफ तो इसका ऑप्शन जो आपका सेकेंड है एब्सोल्यूट बायोबिलिटी वो आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट रेशियो ऑफ ड्रग एंड स्टैंडर्ड ड्रग मतलब कहते हैं क्या है कि आपने कोई ड्रग तैयार की हुई है तो उसकी बायोलिटी कितनी होगी उसका कंपेयर हम करते हैं स्टैंडर्ड ड्रग से तो इसको क्या बोलते हैं आप रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टर व्हिच डज नॉट द एब्जॉर्प्शन बायो अवेलेबिलिटी मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एबजॉपन एंड बायोलिटिक को एफेक्ट नहीं करते हैं तो पी एच ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूड अगर आपका गैस्ट्रिक फ्लूड का पी एच ही आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो एबजॉप्शन को डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा तो ये तो इसमें होगा नहीं उसके बाद सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग जैसे एग्जाम्पल तो उस वो ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है ये भी आपके एब्जॉपन एंड बायोलिटी को एफेक्ट करेगा क्योंकि अगर वो हो तो लिपोफिलिक होगी तो उसकी जो बायोबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी वो एब्जॉप्शन रेट भी ज़्यादा होगा

अब कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ दिस ड्रग थ्रू ब्लड ब्लड ब्रेन मतलब ऐसा कौन सा रीजन है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है ये जब मैं लेक्चर आपको दे रहा था या जब मैंने लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पर आपको एक मतलब स्ट्रक्चर के मतलब एक पूरा डायग्रामेटिक समझाया था वहाँ पे तो जो इसका एपस, मतलब जो आंसर होगा वो होगा तो एबसेंस ऑफ आप द पोर इन द ब्रेन मतलब जो हमारा ब्रेन होता है उसमें कोई भी पोर नहीं पोर का मतलब क्या होता है स्पेस जिससे जिसके थ्रो हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेड मतलब यहाँ से होकर वहाँ जाता है वो हमारे पोर साइड वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं ठीक है पोर वैसे छलनी टाइप जैसे छलनी में होता है ना कि छेद होती है तो चाय डालेंगे तो नीचे उसी प्रकार से हमारे जो ब्रेन होता है उसमें कोई भी नहीं पाया जाता है इसलिए जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो ब्लड बेरे को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाती केवल लिपोफिलिक ड्रग ही वो भी बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन में वो क्रॉस कर पाती है ठीक है उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन जैसे हाई लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग या मैंने तो मैंने सब डिजीज है तो ये सब हमारा कोई रीजन नहीं है इसके ये सब क्या है एक कॉज है केवल ठीक है तो इसमें रीजन आपका क्या हो जाएगा पोर इन द ब्रेन मतलब उस हमारे ब्रेन में कोई पोर नहीं होने के कारण जो हमारी ड्रग होती है वो ब्लड ब्रेन बेरे को क्रॉस नहीं कर पाती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन फ्रॉम दी बॉडी

र्जी के ऋण नॉनर्जी ये सब होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एक्टिव एज सब हमारे ऑप्शन सही नहीं है उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन एज मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो कौन किस प्रकार की प्रोसेस है ए रिवर्सिबल है फार्मिको डायनेमिक्स प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है या नन ऑफ दिड इज तो फार्मिको डायनेमिक्स तो हमारे एडीएम में पूरा आ जाता है तो ये तो होगा हो ही होगा लेकिन किस टाइप का इ रिवर्सिबल टाइप का है ठीक है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से या ऐसे यहाँ से वो ब्लड है मतलब यहाँ से दवा यहाँ पर जा रही है तो फिर से इसी रास्ते से लौट कर आएगी ऐसा नहीं है ये रिवर्सिबल है उसके बाद आता है इफ द अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज टू ग्राम एंड इट्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है

What will happen? अब जब हो जाएगी, तो हमारे प्रोटीन से जाकर बाइंड कर जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी और जब प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्टिव तो रहेगी लेकिन वो जो उसका एक्शन होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगी मतलब जब हमारे प्लाज्मा से प्रोटीन बाइंड कर जाएगी तो धीरे धीरे कुछ कुछ समय के बाद हमारे बाहर आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें प्रोसेस क्या होती है रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है मतलब एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर वो आकर अपने फिर प्लाज्मा से प्रोटीन बाइंड कर लेगी फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसलिए जो ड्रग का एक्शन होता है वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है ठीक है इन विच प्रोसेस मतलब anyway, किस प्रोसेस, प्रोसेस में ड्रग द लिपोफिलिक ड्रग बाइंड विद प्रोटीन एंड इनएक्टिवेटेड किस कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिपोफिलिक ड्रग होती है हमारे प्रोटीन से बाइंड कर जाती है और उसको इनएक्टिवेट कर देती है या लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवेट कर देती है कॉम्प्लेक्सेशन तो होगा नहीं प्रोटीन बाइंडिंग होगा हो सकता है लेकिन प्रोटीन बाइंडिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रकार की चाहे वो लिपिफिलिक ड्रग है वो हमारे जाके बाइंड कर सकती है लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव रैपिड एक्शन तुरंत शुरू करती है लेकिन जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब प्लाज्मा के प्रोटीन से बाइंड करके वो फार्माकोजिकली इनएक्टिव हो जाती है इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सही होगा देन आता है एसिडिक ड्रग बाइंड ये सारे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे आप इसको लिख के रख लीजिएगा और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन आप मेल कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नहीं तो जो एसिडिक ड्रग होता है वो हमारे कहाँ से बाइंड करता है किस सबसे तो हमारे किससे करता है एल्बुमिन से बाइंड करता है और वहीं जो बेसिक ड्रग होता है वो हमारे

ठीक है प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वो सही हो जाएगा क्योंकि होता क्या है इसमें कि एक केमिकल दूसरे केमिकल में अल्ट्रेशन हो जाता है मतलब क्या कह रहे हैं क्या कहते हैं कि उसका जो नेचर होता है बदल जाएगा जैसे अगर लिपोफिलिक ड्रग है तो उसकी जो उसको नेचर जाएगा वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा इसीलिए वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगी द मेटाबोलिजम रिजल्ट मेटाबोलिजम का रिजल्ट क्या होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का है चेंज इन द हाइड्रोफिलिक अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक है तो वो हाइड्रोफिलिक में चेंज हो जाएगी यही हमारा मेटाबोलिज्म का मेन रीजन होता है या रिजल्ट होता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आप सेकेंड से सही से हो जाएगा ठीक है द लिपोफिलिसिटी एलिमिनेशन ये सब कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच ड्रग डी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच मतलब प्रोसेस जिसमें होता क्या है ड्रग री ट्रांसपोर्टेटेट फ्राम द इंटेस्टाइन टू द लीवर फॉर फर्दर मेटाबोलिज्म जिसमें क्या होता है कि एक बार ड्रग हमारी लीवर में चली गई ठीक है फिर से वहां पे बैकवर्ड रिएक्शन मार के फिर से लीवर में आ जाती है और मेटाबोलिज्म के लिए तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कैटाबोलिज्म में भी नहीं होगा तो इसका आंसर आपका होगा इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन इंट्रोहिपेटिक, हिपेटिक मतलब होता है लीवर में ठीक है तो क्या होता है इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन हो जाता है वो आप

इसीलिए आपके बाइल जूस से इलिमिनेट होते हैं फिर आखिरी ऑप्शन है दी दीडेड फ्रॉम द दी यूरिनेशन मतलब ये यूरिनेशन के द्वारा इजिली एक्सक्रिएट हो जाते हैं ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है तो इसका मतलब सही है मतलब ये ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही माना जाएगा उसके बाद आता है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन कॉज बाई मतलब जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उसका इंडक्शन होता क्यों है टॉलरेंस के कारण टॉलरेंस होता क्या है जब हमारी हमारी बॉडी और ड्रग के बीच में समझौता हो जाता है उसको क्या बोलते हैं टोलरेंस है, बोलते हैं तो यहां पे माइक्रोसोमल एंजाइम मतलब जो आपके लीवर में जो आ, मतलब एंजाइम्स होते हैं वो इंडक्ट कर दिए जाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये दे ड्रग डेट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी दे ड्रग दैट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएगा कि उसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सी ड्रग आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि किसके पास हाइड्रोक्सिल आयन हमारे मौजूद है मतलब जिसके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारा मौजूद होगा वो हमारे फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिजम में भाग लेगा तो इसमें आपका क्या है प्रोपेरानोल है इसमें ऑल लगा हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ इसका मतलब इसमें ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन भी लगा होगा इसीलिए जो हमारी ड्रग होगी वो हमारे फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिजम में भाग लेगी वही फिनाइल ब्यूटाजोन है ठीक है बारबीटोन है ये तो हमारी सबसे लिपिड लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है और इसको आप क्या होते हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिजम में सो मतलब नहीं इफेक्ट वो नहीं करती हैं ठीक है उसके बाद आता है जो हमारा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इलिमिनेशन ऑफ दी ड्रग टाइप ऑफ ड्रग इलिमिनेटेड मतलब जब ड्रग का इलिमिनेशन होता है तो वो अपने किस फॉर्म में रहता है तो इसका ऑप्शन जो आपको मिलता है अन आयोनाइ ड्रग आपका सही हो जाएगा मतलब जब ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है तो उसका जो नेचर होता है वो अन आयोनाइट फॉर्म में होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिल्ट्रेशन रेट इज डिक्रीज इनक्रीज बोथ और नॉन ऑफ दिस तो अगर आपका जो पार्टिकल साइज होगा वो ज्यादा होगा तो जैसे माइ एग्जाम्पल के तौर पे आपका चाय चाय छानने है ठीक है तो जैसे चाय पत्ती कहाँ कब क्यों रोकती है क्योंकि उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो वहाँ पे कम हो जाता है उसी प्रकार से जब ड्रग की साइज आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो जो ग्लोबेस फिल्ट्रेशन रेट होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टाइप ऑफ द ड्रग डज नॉट इलिमिनेट थ्रो यूरिनेशन मतलब किस टाइप की जो ड्रग है वो आपके यूरिनेशन के द्वारा बाहर नहीं होती है वीकली एस ड्रग वीकली बेसिक ड्रग या Strongly acidic drug या तो आपका जो भी चाहे के होती वो ट हो जाती है यूरिनेशन के द्वारा लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड बेसिक ड्रग होती है वो इलेमिनेट हो नहीं होती है, है यूरिनेशन के द्वारा वो कहाँ से होती है हमारे बाइल जूस के द्वारा इलेमिनेट होती है मेनली एंटीबायोटिक्स ड्रग एलिमिनेटेड थ्रो मतलब जो हम एंटीबायोटिक ड्रग लेते हैं वो सबसे मेनली कहाँ से एलिमिनेट हो यूरिनेशन के द्वारा या एलोवेर के द्वारा या स्वेटिंग के द्वारा या बायो डिस्क्रीसन के द्वारा तो इसमें जो आपका आप ऑप्शन हो गया एक्सक्रीशन ये सही हो जाएगा क्योंकि ये जो होती है हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है इसलिए यूरिनेशन के थ्रू ये हमारी बाहर नहीं निकलती है ये हमारे बायो डिस्क्रीस फिसल मटेरियल के द्वारा एलिमिनेट हो जाती है कंडीशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कनेक्टेड उसमें कौन सी कंडीशन होती है एलिमिनेशन रेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा अगर ऐसा होता है तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी तो उसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे एलिमिनेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसन इन प्लाज्मा मतलब जो एलिमिनेशन रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ड्रग कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आप ये वाला सही होगा अब आपको करना क्या अगर इन सबके एम सी क्यू को समझना है तो आपको फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म सेकेंड पास मेटाबोलिज्म अच्छे से पढ़ के ही तभी एग्जाम देना है जैसे कि आपका जो एग्जाम हो बहुत अच्छा से अच्छा हो ठीक है ये तो हम केवल आपको बता रहे हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चन है हो सकता है कि अलग से भी कुछ पूछा जा सकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ड्रग हाफ लाइफ ऑफ दी ड्रग डिपेंड ऑन मतलब जो ड्रग की हाफ लाइफ होती है हो, किस पे डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म नहीं क्योंकि जो हाफ लाइफ होते हैं हमारे एलिमिनेशन से होती है डिलेट करती है एंड वो हमारी क्या करते हैं एक्शन के ऊपर शो करते हैं कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस टाइप का होता है तो इसमें क्या होता है कि जो ये किस पे डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने अमाउंट में हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई एंड क्लियरेंस ऑफ द ड्रग और कितनी जो ड्रग हमारी क्लियर हुई मतलब एलिमिनेट हुई तो ये हमारी जो हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन दॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस ऑफ द ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जो हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है वो होती वो वो किस पे डिपेंड करती है रेट ऑफ इलिमिनेशन ऑफ द ड्रग इज इन, इंडिपेंडेंट ऑफ़ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक्सपायरिन फॉलो मतलब जो एक्सपायरिन है वो किस प्रकार के काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो वो मिक्स मतलब फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को भी फॉलो करेगी एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक को भी फॉलो करेगी इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सड ऑर्डर काइनेटिक्स हो हो आपको आपको वीडियो वीडियो समझ में आया जल्दी ही मिल जाएंगे के अपलोड होने के छह घंटे के बाद आपको क्विज मिल जाएंगे और छह घंटे के बाद फिर आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर आपको वीडियो समझ में आया हो आईमसी क्यूज समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी